हेलो फ्यूचर आर्किटेक्ट, सो द दिवाली धमाका इज हियर, द जेई बिहार 2025 ब्रोशर इज आउट, ऑल द डिटेल्स आर आउट नाउ. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द जेई बिहार 2025 examination. But before we start with the video, one very important thing, I will recommend you that after you watch this video, you should go through the brochure and read the entire brochure on your own as well. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ maybe मैं cover ना करूँ video में और वो बहुत important हो आपके लिए personally, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है brochure को, सारी details आपको पता होनी चाहिए. वैसे तो मैं इस video में हर important चीज़ cover कर ही रही हूँ, तो ऐसा कुछ major रहेगा नहीं, but still to be on the safer side you should go and read this entire brochure on your own as well. कई बार क्या होता है कि आप खुद से जब पूरा ब्रोशर पढ़ते हो तो मेजर चीज़ें मिस हो जाती हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है आपसे मिस हो जाए. दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर गिविंग दिस. देखो जितना एग्जामिनेशन देना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही एग्जामिनेशन के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना भी इंपॉर्टेंट होता है. कई बार क्या होता है कि अगर आपको पैटर्न नहीं पता है, मैंने देखा है लास्ट ईयर एक बच्चे के साथ हुआ था, उसको इतना आइडिया नहीं था पैटर्न के बारे में, तो ड्राइंग में दो क्वेश्चंस आते हैं एंड वो एक ही करके आया था एंड ही वाज लाइक कि मुझे लगा कि क्वेश्चन करना है. तो यू नो ये छोटी छोटी गलतियां या कुछ मेजर हो सकता है आपके साथ. दैट इज़ व्हाई बीइंग इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट इज गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज आई वुड बी स्क्रॉलिंग थ्रू द एंटायर ब्रोशर और जो भी चीज़ें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखेंगी आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद यू. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द शॉर्ट फॉर्म्स. कई बार क्या होता है कि एग्जाम खत्म भी हो जाता है तो भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि सीसाब क्या होता है, जोसा क्या होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दीज थिंग्स एज वेल. जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता करना, वैसे तो एक बार सब कुछ ही रीड कर देना, बट जो इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ. बी आर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू नो इट्स बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर. उसके बाद सीसैब राउंड होता है बेसिकली, जैसे जोसा काउंसलिंग होता है जिसमें आपको आपके रैंक के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है. तो जब जोसा काउंसलिंग हो जाता है खत्म तो सीसैब राउंड होता है जिसमें जो बचे हुए सीट्स हैं वो स्टूडेंट्स को मिलते हैं. तो काफ़ी लेट तक सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर चलता रहता है. सो इट्स लाइक रिलेटेड टू दैट. देन यू हैव CFTI. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CFTI मीन्स सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट. एंड जो आपके SPAs हैं, तीनों आपके जो SPAs, 3 SPAs, ओके, ऑल आर CFTIs. इट डजंट कम अंडर द बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रली फंडेड है. दैट इज वाई इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. ओके, नाउ यू हैव CBT. तो वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. बहुत बार यूज होता है ये वर्ड. तो बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि आर्किटेक्चर का जो एंट्रेंस है JBAG ये ऑनलाइन होगा. तो ऑनलाइन तो होगा, बट ऑनलाइन की जगह बेटर है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलें, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब लोगों को कई बार ये लगता है कि घर पे बैठ के होगा एग्जाम. तो भाई घर पे बैठ के नहीं होता है, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑब्वियसली कंप्यूटर होगा और उस पर आपको एग्जामिनेशन देना होता है. MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है. और आपका जो ड्राइंग का पेपर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली पेन एंड पेपर मोड में रहेगा, ठीक है. COA इज़ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी, क्योंकि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे आर्किटेक्ट्स और उनके रूल्स वगैरह को मॉनिटर करती है, देखती है, बनाती है. तो सारे आर्किटेक्ट्स बेसिकली COA के अंडर ही रजिस्टर्ड होते हैं और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ये बॉडी बनाती है रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट्स. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट टू मैंशन COA इज़ द बॉडी दैट कंडक्ट नाटा एग्जामिनेशन एज वेल. तो इसीलिए नाटा एग्जामिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए देना. नेक्स्ट इज DASA काउंसिलिंग. गाइस DASA बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड. तो अगर आप अब्रॉड के एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा सा एक ईजियर हो जाता है. विथ लेसर रैंक ऑल्सो यू कैन गेट इन टू टॉप कॉलेजेस. लास्ट ईयर SSAC से DASA रैंक 1 था,
तो जो स्टूडेंट थी उसकी, शी वॉज फ्रॉम अब्रॉड, तो उसकी रैंक 1 आई थी एंड शी गॉट इन टू एस पी आई दिल्ली. तो ऐसे था. ठीक है, ऐसे ही जो रिजर्वेशन होती हैं वो भी आप एक बार देख लेना. ठीक है, लास्ट ईयर PWD से भी, जो ये वाला देख रहे हो, ये रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, इससे भी हमारी रैंक 1 आई थी गाइज. तो इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन होते हैं, आई थिंक यू कैन गो थ्रू दैट ऑन योर ओन. बेसिकली मैंने बेसिक वाले मार्क नहीं किए हैं, OBC वगैरह आपको पता ही होगा, SC ST. सो इफ यू आर फ्रॉम दीज कैटेगरीज तब भी एक बेनिफिट मिलता है, कम रैंक में भी आपका SPI Delhi में या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है. तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक बार गो थ्रू जरूर करना. ठीक है, जोसा इज द काउंसलिंग गाइज, जोसा काउंसलिंग होती है. तो आपका जो रैंक होगा उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेते हो इनटू एनी कॉलेज विच इज अंडर जोसा. तो बेसिकली इसमें SPAs आ जाते हैं, आपके NITs आ जाते हैं, दीज आर द मेजर कॉलेजेस. ठीक है, सो 3 SPAs विच इज SPA Delhi, SPA Vijayawada, SPA Bhopal सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड 2 NITs विच इज NIT Calicut, NIT Trichy टॉप के हैं. तो ये जो 5 कॉलेजेस हैं ये जोसा के अंडर होते हैं और ये टॉप के होते हैं. सो यू हैव टू गेट अ गुड रैंक इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दीज टॉप कॉलेजेस. अंडर 500 रैंक इज रिक्वायर्ड इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दीज टॉप 5 कॉलेजेस. ओके, तो बाकी एक बार और भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है. तो इतना आई थिंक आपके लिए जानना इनफ रहेगा. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब इसी का वेट करते हैं कि डेट्स क्या होंगी. तो बेसिकली गाइज सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का देख लेते हैं. इसमें लिखा तो है कि 28, मतलब आज से ही शुरू हो रहा है, बट अभी मुझे शायद दिखा नहीं कि रजिस्ट्रेशन अभी उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है वेबसाइट पे, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ही अपडेट होने वाला है. मैक्सिमम आप कल तक चेक करोगे तो अपडेट हो भी चुका होगा. सो गो एंड फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म गाइज, जितना जल्दी फिल करोगे उतना अच्छा रहेगा. बहुत एंड में या एंड मोमेंट में फिल मत करो, आई वुड रिकमेंड यू कि जल्दी ही फिल कर लो, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग. ओके, बाकी आप अगर ये वीडियो लेट देख रहे हो, सो द लास्ट डेट इज 22nd November टिल 9 PM. तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कहीं आपका मिस ना हो जाए. दैट इज़ वाई जल्दी से काम खत्म करके डन कर दो, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. तो बेसिकली ये भी वही है, 22nd November. ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि क्या हम अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं फॉर द एग्जामिनेशन, कि कहाँ जाके एग्जामिनेशन देना है. सो बेसिकली यू कैन नॉट सेलेक्ट अ सेंटर, यू कैन जस्ट सेलेक्ट लाइक इन विच सिटी यू वॉन्ट टू गिव द एग्जाम. तो दैट मच यू कैन सेलेक्ट. सपोज आप गाजियाबाद से हो तो ठीक है, गाजियाबाद आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको कोई ना कोई गाजियाबाद का ही सेंटर मिलेगा या आसपास का मिल सकता है. ठीक है, तो वो आपको जो सेंटर आपका होगा वो आपको पता चलेगा ओनली इन योर एडमिट कार्ड. सो you will get to know that what center you have got only 3 days before the exam in your admit card. ठीक है, तो ये 3 दिन पहले ही रिलीज होता है. काफ़ी लोग एंड तक पूछते रहते हैं कि कब आएगा एडमिट कार्ड, कौन सा रहेगा मेरा सेंटर. तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाके एग्जामिनेशन देना है. ठीक है, अभी से पता नहीं चलेगा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, द डेट्स ऑफ एग्जाम. सो इट इज एज एक्सपेक्टेड, हर साल यही डेट्स होते हैं, 22nd to 31 January, मीन्स जनवरी एंड में एग्जाम होगा. नाउ BEARC का जो एग्जाम होता है वो एक ही दिन होता है, और ये इतना बड़ा लाइक एक स्लॉट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो BTech का एग्जाम होता है वो काफ़ी डेज में होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सबका एक ही दिन पे नहीं होता है पॉसिबल लेना एग्जाम, तो काफ़ी सारे डेज में होता है. बट BEARC में ऐसा नहीं होता है, BEARC में आपको एक ही दिन में एग्जाम देना, एक ही दिन में सबका एग्जाम होता है बेसिकली. तो या तो सबसे पहले दिन में हो सकता है, या तो 22nd को होगा, या फिर सबसे लास्ट डे में होता है यूजुअली, तो या तो 31 को होगा. तो इट विल डिपेंड कि वो कौन सा डे रहेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है. ठीक है, नाउ दिस इज फॉर सेशन 2. सेशन 2 में भी सारी चीज़ें सेम है बेसिकली. रजिस्ट्रेशन आपका, अच्छा रजिस्ट्रेशन आप अलग अलग कर सकते हो, चाहो तो अभी साथ में कर पाओगे, चाहो तो सेशन 2 का बाद में भी कर सकते हो जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर होगा. ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो होगा वो होगा 31st January to 24th February. तो ये अगेन रीओपन होता है फॉर सेकेंड अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन. आई थिंक अभी भी साथ में कर सकते होंगे, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बेटर रहेगा कि आप दोनों अटेम्प्ट्स का एक साथ कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली आप दोनों अटेम्प्ट तो दोगे ही, दैट इज द थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू. नाउ अगेन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड 3 days before. डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एक्सपेक्टेड गाइज अप्रैल स्टार्टिंग में होगा. ठीक है, तो यही डेट्स होती हैं हर साल, तो इट इज़ एज एक्सपेक्टेड. अब इसकी भी फाइनल डेट इट विल बी
तो इसकी भी फाइनल डेट इट विल बी रिलीज बाय देम, तो पता चल जाएगा जल्दी ही। आई विल अपडेट यू ऑन माई चैनल। ये अच्छा रिजल्ट का हमने देखा ही नहीं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो आपका 12 फरवरी को आ जाएगा और सेकेंड अटेम्प्ट का जो आपका रिजल्ट है वो आपका 17 अप्रैल को आ जाएगा। ये ऐसा इसमें लिखा है बट ऐसा होगा नहीं गाइज। जो ये रिजल्ट का डेट इसमें लिखा होता है ना, इट इज़ यूजली फॉर द बी टेक एग्जामिनेशन। बी आर्क का रिजल्ट इससे 1 मंथ के अराउंड लेट आता है गाइज, ठीक है। तो वो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग हमेशा ऐसे ही मेंशन करते हैं इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना गाइस। ये आपका अप्रैल 17 अप्रैल में रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो आपका एग्जाम ही हो रहा है 1 से 8 अप्रैल में, तो 17 अप्रैल में आपका रिजल्ट आ ही नहीं सकता है बीआरक का, क्योंकि उसमें ड्राइंग की चेकिंग होती है मैनुअली। तो इसको आप प्लस 1 मंथ कर दो, अराउंड उतने में आपका रिजल्ट आएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी ईयर, कभी थोड़ा लेट कभी थोड़ा जल्दी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन गाइज, तो अगेन आपको बीआरक का पेपर देना है, आपको 3 आवर्स मिलेंगे अपना एग्जामिनेशन देने के लिए। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंटली, एग्जामिनेशन हमेशा 2 शिफ्ट में होता है। कुछ लोगों को फर्स्ट शिफ्ट अलॉट होता है, कुछ लोगों को सेकेंड शिफ्ट अलॉट होता है। सो इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, यू कैन नॉट चूज कि आपको 9 से 10 में एग्जाम देना है या 3 से 6 में देना है। इट विल बी मैंशनड इन योर एडमिट कार्ड बेसिकली, तो आपको 3 दिन पहले ही पता चलेगा कि आपको कौन से शिफ्ट में एग्जामिनेशन जाके देना है। तो आपको दोनों ही शिफ्ट के लिए रेडी रहना है, आपको कोई सा भी अलॉट हो सकता है। ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, फी पेबल फॉर जेई मेन्स रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा उसके लिए आपको कितना पैसा देना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई एक एग्जाम देना है, लाइक सपोज अगर मैं सिर्फ बीआरक की बात करूं, तो मेल के लिए 1000 है, फीमेल के लिए 800 है। एंड सपोज अगर आप कोई 2 एग्जाम या कोई 3 एग्जाम साथ में दे रहे हो, देन यू कैन चेक द फीस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप वही बार देख लेना, ठीक है। नाउ गाइज मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया है, लेट्स कम टू द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू ऑल नो दैट, बट फिर भी एक बार समझना मेरे को बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो जेई पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होगा आपका मैथ्स, एक होगा आपका एप्टीट्यूड और एक होगा आपका ड्राइंग, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही है। नाउ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड इज ऑब्वियसली CBT विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड द ड्रॉइंग पार्ट इज इन पेन एंड पेपर, ऑफलाइन मोड में रहेगा। आपको एक ड्रॉइंग की शीट दी जाएगी, ठीक है, तो उस पर आपको ड्रॉ करना रहेगा। नाउ हियर बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है दैट विल स्टेशनरी आइटम्स बी प्रोवाइडेड और नॉट, सो नो गाइज स्टेशनरी आइटम्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाई देम, दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कैरी इन द एग्जाम। तो वो आपको खुद ही खरीदना है और अभी से खरीद लो, क्योंकि एग्जाम से बिल्कुल पहले खरीदोगे तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि अभी से जो आप स्टेशनरी खरीदोगे आप उसको यूज़ करोगे तो आपकी उसमें प्रैक्टिस बनेगी एंड आपको पता चलेगा कि वो स्टेशनरी आइटम पर्टिकुलर कैसे वर्क करता है एंड इट विल बी मोर कम्फर्टेबल फॉर यू इन द एग्जाम। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले स्टेशनरी नहीं खरीदना है, अभी ही सही टाइम है गाइज। अगर आपके पास स्टेशनरी नहीं है फाइनल, तो अभी ही अपनी फाइनल स्टेशनरी को खरीदो। आई विल ऑल्सो अपलोड अ वीडियो वेरी सून स्टेशनरी के ऊपर, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या स्टेशनरी आइटम्स लेके जाने होंगे एग्जामिनेशन में और क्या खरीदना है, ठीक है। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जल्दी वीडियो आ जाएगी स्टेशनरी की भी। नाउ गाइज कमिंग टू द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सो हियर बेसिकली दे हैव टोल्ड यू दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द मैथ्स एप्टीट्यूड एंड ड्रॉइंग पार्ट, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। सो इन द मैथ्स पार्ट गाइज देयर विल बी MCQ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। सो बेसिकली MCQ तो आपको पता ही है, राइट, देयर विल बी लाइक 4 ऑप्शंस एंड वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी राइट एंड यू विल हैव टू टेक द करेक्ट आंसर, दैट इज द MCQ क्वेश्चन। इन द न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन द NAQs बेसिकली you will have to type your answer. Suppose your answer is 5, so you will have to type it using the keyboard. That is the numerical answer type questions, okay? Now for the aptitude part, it will be completely MCQ based questions and drawing part mein definitely drawing ke question honge, wo aapko sheet pe draw karna rahega. So this is going to be the what questions will come, okay? Now this is very important, let us see that how many questions will be there from each subject. So if you talk about mathematics, there is going
गोइंग टू बी 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन एंड 5 NAQ जो आपको टाइप करके लिखना होगा वो वाला, तो 5 रहेंगे। तो ये चेंज हुआ है गाइज, ये चीज़ अपडेट हुई है, चेंज हुई है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, देयर वर 10 NAQs, उसमें से कोई भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी दे हैव रिमूव दिस ऑप्शन कि आपको ऑप्शन नहीं देंगे एंड सिर्फ 5 रहेगा, आपको वो 5 क्वेश्चंस ही करने हैं बेसिकली, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ड्रॉइंग के आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ कमिंग टू द मार्क्स गाइज, दिस इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मैथ्स पार्ट इज ऑफ 100 मार्क्स, एप्टीट्यूड पार्ट इज ऑफ 200 मार्क्स एंड ड्रॉइंग इज ऑफ अगेन 100 मार्क्स। सो टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 50% वेटेज सिर्फ एप्टीट्यूड पार्ट का है। दिस मेक्स द एप्टीट्यूड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज 200 मार्क्स का अकेला एप्टीट्यूड पार्ट है एंड यू शुड रियली प्रिपेयर फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट वेल। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सिलेबस के बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए टू स्कोर गुड इन द एग्जाम गाइज। और डेफिनेटली प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रैटेजी सही यूज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइज, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज MCQ में आपकी कैसे मार्किंग होगी उसके बारे में है ये। सो बेसिकली फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1 मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तुक्का नहीं लगाना होता है एग्जामिनेशन में, अदरवाइज आपके परसेंटाइल लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको जितना आता है ऑनेस्टली आपको उतना ही करके आना एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी होती है आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आओ, बिकॉज अगर आप छोड़ते हो तो यू विल गेट 0, तो एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज +4, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड सेम इज फॉर NAQ ऑल्सो गाइज। अगर सही होता है तो +4 मिलेंगे और गलत होता है तो -1 रहेगा, छोड़ के आओगे तो 0 मिलेगा। तो सेम इज फॉर NAQ ऑल्सो। नाउ ऑब्वियसली फॉर द ड्रॉइंग टेस्ट, वो आपका सब्जेक्टिव है तो वो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा आउट ऑफ 100, उसमें आपके हाथ में नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा ड्राइंग बना के आना है एंड इट विल बी बेस्ड ऑन दैट। नाउ गाइस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो इज दैट यू विल नॉट गेट योर मार्क्स, मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा दैट आउट ऑफ 400 हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इन द एप्टीट्यूड और द ड्रॉइंग पार्ट और द मैथ्स पार्ट। सो बेसिकली एज यू कैन सी ओवर योर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट, इट्स रिटन ओवर योर दैट version of the raw score in maths aptitude and drawing and total into NTA scores. So basically you will get a NTA score and you will not get your raw marks, okay. So what is an NTA score? NTA score is basically percentile guys. परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटाइल होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है, सपोज यू हैव गॉट 99% ओके, this means that you are ahead of 99% of the students who have given the exam, ठीक है। अगर आपकी percentile 80 आती है, that means you are ahead of 80% of the students who have given the exam, तो so on and so forth, मतलब आपसे 20% अभी भी आगे हैं। सो 80% इज नॉट अ गुड स्कोर गाइज, 99% इज अ गुड स्कोर, इवन 90% आई वुड से इज नॉट दैट मच ऑफ अ गुड स्कोर। आपको नहीं कहीं भी एडमिशन मिलने वाला है क्योंकि 10% बच्चे आपसे आगे हैं और 10% बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि कितना टाइम मिलेगा, तो ये आपको पता ही है 3 hours मिलेंगे, लेकिन फॉर PWD कैंडिडेट्स दे गेट 4 hours, तो दिस इज द थिंग। ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सिलेबस इज गाइज, यूजुअली दे यूज टू मेंशन द सिलेबस इन द ब्रॉशर इटसेल्फ, बट इस बार ही उन्होंने लिखा हुआ है कि वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल होगा। मैंने क्लिक करके देखा था लिंक, तो लिंक खुल नहीं रहा था। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम और द सिलेबस इज नॉट अपडेटेड येट, आई डोंट नो। सो लेट्स वेट फॉर द सिलेबस टू कम, बट आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी द सेम एज लास्ट ईयर, चेंज होता नहीं है ज़्यादा JEE में कुछ भी। तो यू कैन चेक आउट द सिलेबस वीडियो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन डिटेल ऑन आवर चैनल, यू विल ऑलरेडी गेट द सिलेबस वीडियो। फॉर मेकिंग द थिंग्स ईजियर आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द सिलेबस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट्स अ होल डिफरेंट थिंग अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ JEE BARC इफ यू डोंट नो ऑलरेडी। Now the very important thing, the age criteria guys. So coming to the eligibility and aap exam de bhi sakte ho ya nahi de sakte ho, so let's read out this thing over here. For appearing in the JEE Main 2025, there is no age limit for the candidates, but
एक कैच है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी एज है और आप एग्जाम दे सकते हो. सो लेट्स सी दैट व्हाट इट इज. द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th / इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. सो इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट इज इक्विवेलेंट एग्जाम, द लिस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज गिवन ओवर हियर. तो या तो आपने 12th ग्रेड दिया हो या जो एग्जाम्स यहाँ पे मैंशनड है इनमें से कोई एग्जाम दिया हो, दोनों एक ही बात है. So you must have given your class 12th or equivalent examination in 2023, 2024 or you are giving this year only. तो अगर आपने last to last year exam दिया है 12th का, then you are eligible. उससे पहले दिया है तो you are not eligible for the JBR examination. So that is the catch over here. There is no age limit, but again वो 12th के exam के basis पे होता है, तो ठीक है. अगर तुमने 12th बोर्ड नहीं दिए हैं, कोई और एग्ज़ाम दिया है, तो आई विल रिकमेंड कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के पढ़ लो कि हाँ तुमने जो किया है या एग्ज़ाम दिया है वो इसमें है कि नहीं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द JBAG. अगेन ईयर ऑफ अपियरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गाइज इज ऑल्सो द सेम. 2023 में या तो दिया होना चाहिए, 2024 में, या इस साल तुम कंप्लीट करने वाले हो बेसिकली. सो द मेन थिंग इज दैट द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th / इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022 or before are not eligible to appear in the JEE Main 2025. So this is the most important thing basically. Now guys, chapter 4 is all about reservations. So I'm going to skip this chapter because agar aap kisi bhi reservation category se ho, OBC, SC, ST, PWD, so I will recommend you that read this part on your own only because depending on ki aap kis category se ho, you would want to read your own information. So isliye main skip kar rahi hu because mostly zyada students general category se hote hain, to khud se read kar lena. Now the last and the most important thing is about your admission into SPAs and NITs. So as I said in the starting of the video that CFTIs matlab SPAs hai architecture mein, because architecture mein SPAs hi CFTIs hain khali. Baki BTech mein aur bhi colleges honge jo CFTI ke under aate honge, but architecture mein SPAs hain, theek hai. To agar aapko SPAs mein ya NITs mein admission chahiye, then this is going to be the eligibility for that, theek hai. To isme do cheeze hain. Ek to ye hai ki आर्क करने की क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब अगर आपको किसी भी कॉलेज से आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है, ठीक है, एनी प्राइवेट कॉलेज और एनी कॉलेज, देन दिस इज द एलिजिबिलिटी. ओके, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10+2 स्कीम एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50%. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है गाइज कि अभी अभी आई थिंक कुछ महीनों पहले ही COA ने ये चेंज किया था. फॉर एग्जाम्पल जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी, तो अभी अभी ही आई थिंक कुछ महीनों पहले ही COA ने एलिजिबिलिटी को रिलैक्स किया था और ये एलिजिबिलिटी जो इसमें 50% लिखा है वो कम होके 45 करी थी. तो आई डोंट नो कि क्या सिनारियो है, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, COA वाले अलग नोटिस निकालते हैं, तो आई थिंक दैट ये ब्रोशर में अपडेट होगा एंड देर इज़ सम नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस पार्ट. बट एनीवेज तुम 50% मान के चलो, अगर तुम 12th में हो, अभी तुमने एग्जाम नहीं दिया है, तो डेफिनेटली 50% तो तुम ले ही आओगे. तो एनीवेज ठीक है, जो भी है वो क्लियर हो जाएगा. तो वही चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. अच्छा, COA ने जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ दिया था उसमें ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हटा के ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स कर दिया था, तो ये भी यहाँ पे एक थोड़ा चीज़ है. तो ये जो चीज़ है ये पहले होती थी बट अभी ये चेंज हो चुका है, तो आई थिंक इट इज़ येट टू अपडेट. नाउ लास्ट थिंग गाइस विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज थ्रू दिस थिंग यू आर गोना सेट योर टारगेट. तो अगर आप JBAG एग्जामिनेशन दे रहे हो, सो द बेस्ट कॉलेजेस दैट यू कैन गेट थ्रू JBAG इज़ थ्रू JOSA काउंसलिंग एंड इट इज़ SPAs एंड NITs गाइज. तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि JBAG सब लोग JOSA काउंसिलिंग से एडमिशन लेने के लिए ही देते हैं, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देना लेना है, सो उसके लिए तो आप नाटा भी दे सकते हो और आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा. लेकिन JBAG अगर आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन कॉलेजेस का टारगेट रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी चेंज रहता है. सो उसको रीड आउट कर लेते हैं. फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन इन द NITs, IIITs एंड सच CFTIs whose admissions are based on the JEE main rank, अगर आपको rank से admission लेना है, they should have secured at least 75% marks in class 12th examination
और बी इन टॉप 20% इन क्लास 12 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड्स. फॉर SC/ST कैंडिडेट्स द क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी 65% इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन. तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो गाइज यू हैव टू स्कोर 75%, ओके, अदरवाइज विल नॉट गेट एडमिशन इन टू SPAs एंड NITs. तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा फिर JBAG के लिए प्रिपेयर करने का. एंड फॉर SC/ST कैंडिडेट्स अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो देन इट इज 65% फॉर यू. सो अ लिटल बिट ऑफ रिलैक्सेशन इज देयर. सो प्लीज़ गाइज ये मिनिमम स्कोर आपको करना है और फिर अच्छी रैंक लेके आओ. तो जो भी आपको कॉलेज पसंद है प्रिपरेशन अगर अच्छे से करोगे तो उसमें आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा. SPAs में चाहते हो SPAs में हो जाएगा. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. नाउ गाइज द ब्रॉशर इज आउट एंड अभी तक तुम जो भी कर रहे थे ठीक है, बट नाउ इज द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन टू स्टार्ट. अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है अभी हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कर लेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में कर लेंगे, तो तुम ये सोचो कि अभी तुम्हारे बोर्ड्स हैं फाइन, अभी तुम्हारे पास प्रेशर है बोर्ड्स का भी, बट ये सोचो आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च, उसके बाद तो बोर्ड्स और सेकेंड अटेम्प्ट साथ में होने वाला है. तो उस टाइम में तो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा फिर तुम्हारा जेई हाथ से निकल ही जाएगा. दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी ही जितने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ कर लो. 98-99% अभी ही ले आओ, बाद में और इम्प्रूव हो जाता है स्कोर. 2 महीने में रिविजन वगैरह करके और इम्प्रूव हो जाता है. अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करोगे प्रिपरेशन को तो आपकी अंडर 500 अंडर 200 रैंक आएगी और अच्छे कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट गाइज, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. प्रॉपर स्टडी मटेरियल हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. हमारी जो रिजल्ट है वो 1/3 है, दैट मीन्स हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर बनता है. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. नाउ इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी आपको कोर्सेज के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, बट आई विल ओनली रिकमेंड यू कि एक बार आप डेमो क्लासेस बुक करो. सो यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिखेगा, वेबसाइट पे बिल्कुल सामने ही है होम पेज पे. वहाँ पे आप क्लिक करो और अपनी डिटेल्स भरो. हम आपको खुद ही सब चीज़ें बता देंगे कि कैसे आपको डेमो क्लास अटेंड करना है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कम इन आवर डेमो क्लासेस. बिकॉज हमारी जो डेमो क्लास रहती है वो 2 दिन की रहती है बेसिकली. आपको एप्टीट्यूड, ड्रॉइंग, मैथ्स हर सब्जेक्ट के ऊपर क्लास मिलेगा एंड कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स, हाउ टू क्रैक द एग्जाम, योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आवर कोर्स, एवरी सिंगल थिंग. तो ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मे बी आप इस डेमो क्लास को करो, मे बी इस डेमो क्लास को करने के बाद आप कोर्स ज्वाइन करो या आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है एंड देन यू माइट स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, यू माइट गेट इन टू द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, यू माइट बिकम वेरी सक्सेसफुल. सो इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप विच इज इनरोलिंग इन द डेमो क्लास. तो आई डोंट नो वाई यू विल नॉट, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री है और इतनी अच्छी, इतनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं ये क्लासेस कि डेफिनेटली आई एम श्योर यू आर गोइंग टू थैंक मी आफ्टर यू अटेंड दीज क्लासेस. अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल करना है आप वो भी कर सकते हो. यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का साइन दिख रहा है वेबसाइट पे, यहाँ से आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप खुल जाएगा, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो. यहाँ पे आपको कॉल का ऑप्शन भी दिख रहा है, आप कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हो. तो इट्स अप टू यू, आप कैसे भी बुक कर सकते हो डेमो क्लास. जस्ट दैट कि आओ और देखो क्लासेस में कि क्या चल रहा है. आप ही के साथ के बहुत लोग हैं, हर डेमो क्लास हम करते हैं, हर वीक ही करते हैं, ऑलमोस्ट हर वीक में अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं डेमो क्लासेस में. आपके ही एज के हैं, आपके ही साथ के हैं, वो भी तो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो. यू विल ऑल्सो क्रैक द एग्जाम, यू विल ऑल्सो बिकम द नेक्स्ट टॉपर. सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द डेमो क्लासेस. तब तक के लिए बाय बाय.